हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। संडे का डे है और अप्रॉक्स 7:30 और 7:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। हम घूमते घूमते आ गए थे मंदिर में, तो चलो पास में मंदिर था तो हमने सोचा चलो आज मंदिर होते हुए चलते हैं। तो पास में हमारे इस्कॉन टेम्पल पड़ता है तो हम वहीं आ गए थे। तो सबसे पहले हमने हाथ मुंह धो लिया था, शूज़ वगैरह हमने जो भी स्लीपर्स वगैरह थे वो सबमिट कर दिए थे हैंड वॉश वगैरह करके। फिर यहाँ पे हमने फ्लावर्स और माला वगैरह ली थी। फिर उसके बाद हमने अंदर एंट्री करी और बहुत ही अच्छा मंदिर था। फर्स्ट टाइम आए थे हम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी क्राउड भी था। पता नहीं संडे की वजह से इतना रश था या फिर डेली रहता ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ सी थी। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से दर्शन होते हैं, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना तो जो दर्शन होते हैं ना वो बहुत जल्दबाजी वाले होते हैं। मतलब जस्ट ऐसी सेकंड्स के लिए वहाँ पे आप रुक करके थोड़े 2 मिनट ऐसे बैठ नहीं सकते, उसका एरिया अलग होता है। अगर माला वगैरह आपको चढ़ानी है तो उसके लिए ना बहुत लंबी सी लाइन थी। तो वहाँ से होकर के हम माला वगैरह चढ़ा करके पहले हम आरती में थोड़ी देर बाहर खड़े रहे थे जहाँ पे मतलब सबके बैठने के लिए एरिया होता है। उसके बाद फिर हमने माला वगैरह चढ़ाई और दर्शन वगैरह करके फिर हम घर की तरफ वापस आ गए थे। तो कुछ प्रिपरेशन मैं पहले से करके गई हुई थी। मॉर्निंग में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, दोपहर को बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो आलू ना मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि संडे होता है, तो संडे को इवनिंग के टाइम हम कभी कभार घूमने चले जाते हैं तो फिर ना बाहर का खाना ना पड़े, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा आलू बॉयल कर देती हूँ। क्योंकि मनीष को ना आलू की वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी या जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना वो काफ़ी पसंद आती है, तो आलू के पराठे बन जाते हैं आफ्टरनून में, और आफ्टरनून ही हो जाता है संडे को। और वैसे भी ये वाला जो संडे था ना कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि मनीष एयरपोर्ट से काफ़ी लेट पहुँचे थे और सोते सोते हमको मॉर्निंग हो गई थी, 6 बज गए थे सुबह के, और फिर जल्दी उठ भी गए थे, 2-4 घंटे की हमने नींद ली थी। तो फिर सोसाइटी की मीटिंग वगैरह थी तो उसकी वजह से ना जो मॉर्निंग का हमारा लंच था वो बहुत लेट हो गया था, मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है ब्रंच वगैरह। तो आलू एक्स्ट्रा बॉयल करे हुए थे, घूम करके आए हम तो हमको 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। 1-1.5 घंटा आराम से लग गया था, उसके बाद 1-1.5 घंटा वहाँ लग गया था। उसके बाद फिर आते हुए मैं फ्रूट्स वगैरह लेती हुई आई थी क्योंकि उसके बाद अब दोबारा निकलना पॉसिबल नहीं था। तो हमको घर आते आते ना 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और कहीं बाहर से आते हैं ना तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, थकान बहुत ज़्यादा सी हो जाती है। और फिर मेरे को था कि इन्होंने बोला था कि बाहर से खा लेते हैं कुछ, मैंने कहा नहीं, मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए, आटा वगैरह भी मैं लगा करके गई थी कि आते हुए ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक सा ना हो जाए। तो फटाफट से मैंने आलू वगैरह छील दिए थे, टमाटो वगैरह उसमें डाल करके ऐसे फटाफट हींग और टमाटर का मैंने तड़का मार दिया था। तो फटाफट से मैंने खाना वाना बना करके दे दिया और फ्रूट्स वगैरह मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया था, मेरे को अरेंज करके रखना था, और बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर रही थी, इनके लिए ही बनाना था, और एक बेटू के लिए मैंने रोटी बनाई थी। नाइट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है खाना वाना। उसके बाद यहाँ पे मनीष आ गए थे, वो मेरे ऊपर वेट डाल रहे थे और मेरे से संभाला नहीं गया, मैं भी गिर गई उनको लेकर के, तो फिर लेट गिर गए थे बस हम। फिर उसके बाद फिर मैंने फटाफट सारा सामान वगैरह जो मैं मार्केट से लेकर के आई थी वो मैंने समेट दिया। बर्तन वगैरह मॉर्निंग के भी मैं क्लीन करके गई थी, बस अभी अभी के थोड़े से ही बर्तन थे, तो उससे पहले मैंने कहा ये सामान वगैरह और सेट करके रख देती हूँ, इनकी जगह पर इनको रख देती हूँ, तो जल्दी जल्दी ना काउंटर जैसे जैसे क्लीन होगा तो किचन भी सिमटती जाएगी। और आते हुए ना गोंद कतीरा मैं लेकर के आई थी, ये गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब जिनका स्टमक थोड़ा सा हीट करता है या फिर किसी को भी गर्मी वगैरह लगती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, गर्मी ना लग गर्मी से बचाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा मैं लेकर के आई थी। और फिर मैंने उसको एक कंटेनर में डाल करके रख दिया था, बाकी ये फ्रूट्स वगैरह थे। सब्जी वगैरह मैं कुछ ज़्यादा लेकर के नहीं आई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लौकी है वो बेटू ने देखते ही मना कर दिया लौकी नहीं खानी, और भिंडी वगैरह ही एक भिंडी ही लेकर के आई थी सब्जी में मैं, और कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। और अनियंस और ये पोटैटो वगैरह पड़े हुए थे, अभी मम्मी थी ना तो हम इवनिंग में घूमने चले जाते थे और साथ के साथ जो भी चीज़ें छोटी मोटी कम दिखती थी ना वो लेते हुए आ जाते थे, तो अभी और कुछ चाहिए नहीं था, बस फ्रूट्स ही लाई थी। फ्रूट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आज लेकर आई हूँ, 2 दिन चलेंगे फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और लेमन ले लिए थे मैंने, लेमन फिनिश हो गए थे, तो बस ये फ्रूट्स और यही छोटी मोटी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें आज नहीं थी।
तो इन सबको मेरे को इनके प्लेस पे रखना था, और भिंडी वगैरह मेरे को मॉर्निंग के लिए कट वट करके रखनी थी, तो वो भी मैंने साइड में निकाल करके रख दी थी, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन ये नाइट में करके रखो ना तो मॉर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। जैसे भिंडी जैसी सब्जियाँ होती हैं, इनको कटिंग करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर मॉर्निंग में आप कटिंग करने बैठोगे भी ना तो ये बहुत स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। इसको काट करके थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता है, थोड़ी सी हवा लगानी पड़ती है, सुखाना पड़ता है, नहीं तो ये फिर बहुत स्टिकी स्टिकी सी बनती है। तो वहाँ पर मैंने वॉश करके भिंडी जो थी वो रख दी थी, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है वो सारा ड्रेन हो जाए, और तब तक मैं अपना ये सारा काउंटर वगैरह क्लीन कर लूँगी। फिर जब तक मैंने वहाँ पे सारा कुछ फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में लगा दिया था, और यहाँ पे मैं भिंडी वगैरह चॉप करने के लिए आ गई थी। खड़े खड़े ना बहुत थकान सी हो रही थी, क्योंकि एक तो बाहर से आई थी और मंदिर में भी ना काफ़ी भीड़ थी, टाइम बहुत लग गया था। तो फिर मैंने कहा वहाँ साइड में बैठ करके आराम से कर लेती हूँ। बैठने में भी बैक पेन होती है, बट खड़े होकर के काम करने से बेटर था कि मैंने कहा थोड़ी सी सपोर्ट लेकर के बैठ करके मैं फटाफट कट करके रख देती हूँ, तो मॉर्निंग तक ना अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी, और फ्रिज में ना काफ़ी फ्रेश रहती है। और वैसे भी इसको फ्रेशली कट करके बनाया नहीं जाता भिंडी को, थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो इसलिए भिंडी वाली सब्जियों को ना ऑलवेज अगर आपको बनानी है, अभी भी बनानी है, जैसे इवनिंग में भी बनानी है, तो आपको 1 से 2 घंटे पहले अगर आप इसको कट करके थोड़ा ड्राई करोगे ना, तब ज़्यादा अच्छी बनती हैं, थोड़ी सूखी सूखी सी बनती हैं। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना कुकटॉप वगैरह क्लीन करना था, तो आज ना मैंने अपने कुकटॉप को, वैसे मेरा जो DIY स्प्रे है मैं उससे क्लीन करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि जब हम घर के ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए कॉलिन यूज़ करते हैं, तो जो मेरा कुकटॉप है ये भी तो ग्लास का है, तो मैंने सोचा कि आज मैं कॉलिन से क्लीन करके देखती हूँ कि अच्छे से क्लीन हो पाता है या नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा मैंने इस पर कॉलिन स्प्रे कर दिया था, और वही टिश्यू से जो हम नॉर्मली मिरर्स वगैरह क्लीन करते हैं, या फिर ग्लास टेबल वगैरह जो भी ग्लास की चीज़ें या मिरर्स वगैरह होते हैं, तो जैसे उसको क्लीन करते हैं ना वैसे मैंने क्लीन कर ली थी। तो मैंने कॉलिन स्प्रे करा, पहले एक जो माइक्रोफाइबर वाला हैंकी था उससे मैंने क्लीन कर लिए थे सारे जो भी उस पर छोटी मोटी चीज़ें गिरी हुई हूँ। कुकटॉप पे ना मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना गिरती नहीं है, बट हाँ जो थोड़ा सा रोटी वगैरह बनाते हैं तो हाथों में थोड़ा सा आटा वगैरह होता है ना, वो झड़ झड़ करके गिरता रहता है। बाकी जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं वो भी मैं ढक्कन डाल करके बनाती हूँ, ताकि वो छिटके ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा मेरा होता नहीं है कुकटॉप। तो मैंने कॉलिन से क्लीन करा था तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, जैसे हमारे मिरर्स पे शाइन आ जाती है ना, वैसे ही कुकटॉप पे शाइन आ गई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वैसे जो मेरा DIY स्प्रे था उससे भी सेम ही रिजल्ट मिलता था, बट मेरे को एक बार कॉलिन ट्राई करना था, तो काफ़ी अच्छा इससे भी क्लीन हो गया था। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ गिरी हुई है उसमें तो ये ग्रीसीनेस को नहीं कट कर पाएगा, जस्ट इसने मिरर को क्लीन करने का काम करा था। अगर उसके ऊपर कुछ भी ग्रीस है या फिर कुछ ऑयल वगैरह के स्टेन है तो आई थिंक कॉलिन तब तो क्लीन नहीं कर पाएगा। ये तो हल्के फुल्के स्टेन्स वगैरह होते हैं ना, जैसे ब्लर ब्लर सा होने लगता है मिरर वगैरह, बस ये उसी को क्लीन कर पाता है। और जो DIY स्प्रे था उसमें विम जेल और विनेगर वगैरह है, वो थोड़े से अगर स्टेन वगैरह हैं ऑयल के, ग्रीस है, तो उसको वो हटा देता है। बट कॉलिन ने भी सही वर्क कर दिया था मेरे अकॉर्डिंग, मतलब काम चल गया था मेरा, काम नहीं चल गया था, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद कुकटॉप को मैंने क्लीन कर दिया था। फिर इवनिंग में ना मैंने मैंगो शेक बनाया था सबके लिए, तो वो जार था, तो इस जैसे कुछ किचन को, मतलब क्लीनिंग को ना इजी करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो वैसे मिक्सी का ये जो ब्लेंडर होता है ना, इसको क्लीन करने से ना फिंगर्स में ना बहुत तेज़ से वो जो ब्लेड्स होते हैं ना वो लगते हैं, तो मैंने इसके लिए एक ब्रश बनाया हुआ है। ब्रश मैंने सब चीज़ों के लिए बनाया हुआ, जैसे जो कुकर वगैरह होता है, कढ़ाई वगैरह होती है, उसके हैंडल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए भी ब्रश चाहिए होता है, तो वही ब्रश ना इसके जो ब्लेंडर को क्लीन करने के लिए, इसके ब्लेड्स होते हैं ना वहाँ पे मैं इसको चला देती हूँ, तो जो भी लगी हुई चीज़ होती है वो क्लीन हो जाती है। वैसे तो जिसमें ये ब्लेड्स और ये ब्लेंडर मिक्सर ये इस वाली जो चीज़ें होती है ना, आप जैसे ही यूज़ करते हो उसको साथ के साथ पानी से निकाल दोगे तो कोई भी चीज़ जो है ना वो जमेगी नहीं, और जमेगी नहीं तो वो क्लीन रहेगा, क्योंकि हम ग्रेवी बनाते हैं, प्यूरी वगैरह बनाते हैं तो वो भी गीली गीली सी होती है, शेक्स वगैरह बनाते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं ना तब फिर वो पकने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो फिर ग्रीस सी बनने लगती है। तो साथ के साथ इसको खाली प्लेन वाटर से ही आप निकाल करके रखो, तो ये जिसमें ये ब्लेड्स वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, चॉपर हो, ये ब्लेंडर हो, इनको ना साथ के साथ पानी से ना खंगाल करके साइड में रख दिया करो, ताकि उसके अंदर ना कुछ बचा हुआ ना रहे, वही चिपकता है और उसी से ही थोड़ा सा फिर ग्रीस वगैरह होती है।
तो वो मैंने साथ के साथ पानी से, जैसे शेक बनते हैं मैं साथ के साथ पानी से निकाल देती हूँ और बाद में ब्रश भी ये लगा देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा सारे नाइट का जो काम था वो फिनिश हो गया था। मॉर्निंग की मैंने सब्जी भी कट करके रख दी थी, डिनर भी बना दिया था सबके लिए, और जो रात के बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। उसके बाद सारी टैप्स वगैरह को मैंने विम जेल से क्लीन करा था, और पानी से वॉश करने के बाद जितना ज़्यादा पानी से वॉश करना ज़रूरी है ना, चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा उनको ड्राई करना भी ज़रूरी है। अगर आपने क्लीन करके उसको गीला छोड़ दिया ना, फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, वो फिर बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती है, क्योंकि उस पर वाटर स्टेन आ ही जाते हैं। अगर वो वाटर स्टेन रह गए तो आपने क्लीन करी है या नहीं करी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो एज इट इज़ सेम ही दिखेगी। तो ड्राई के साथ, मतलब क्लीन करने के साथ, वॉश करने के साथ साथ ड्राई करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा किचन में आई। ये सब करते करते ना मेरे को 11:30-12 बज गए थे। 9:30 बजे मैं घर ही आई थी, फिर डिनर वगैरह बनाया था, 12 बज गए थे। और फिर मुझे याद आया मैं अपने लिए ये गोंद कतीरा लेकर के आई थी, मैं इसको सोक करना ही भूल गई थी। तो फिर रात को मैंने सोक करके रखा, और सुबह के यहाँ पे 5:30 बज रहे थे और मैं किचन में आई थी, तो ये इस तरह से जेली फॉर्म में बना हुआ था। वो तो मेरे को पता था कि ऐसे ये जेली जेली से फॉर्म में बन जाता है, बट ना मैंने फर्स्ट टाइम सोक करा था इसको, तो इसमें ना वाटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, गोंद कतीरा थोड़ा कम था, पानी ज़्यादा डाल दिया था, बट मेरा काम चल रहा था, क्योंकि वैसे भी हमको पूरा के पूरा जेल तो पीना नहीं होता, उसको वाटर के अंदर ही डाल करके पीना होता है। तो एक पर्सन के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सोक करके रखा था। मेरे को था कि एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हुआ तो पानी कम ना रह जाए, मतलब अच्छे से ना फूल जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल करके रखा था। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, बेटू का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, अपनी वाटर बॉटल बेटू की मैंने पैक कर दी थी और उसको भी रेडी वेडी कर दिया था। तो मॉर्निंग का जो खाना वाना बनाने का काम होता है ना, वो मेरा फिनिश हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मेरे लिए मैं निकालती हूँ, जो मैंने ये गोंद कतीरा सोक करा था मैंने इसको एक ग्लास में ट्रांसफ़र करा, क्योंकि मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो हमको डिटॉक्स वाटर के साथ या प्लेन वाटर, कोकोनट वाटर, जो भी आप लेते हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो हमें करनी ही चाहिए, चाहे प्लेन वाटर से ही करो, तो 1 से 2 ग्लास पानी तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक हमको पीना ही चाहिए। तो आज मैंने मतलब ये लेकर के आई थी, तो मैंने पानी के अंदर 1 ग्लास में गोंद कतीरा डाला था और उसमें पानी डाल करके पिया था। और साथ ही मनीष भी आ गए थे, तो उनके लिए मैंने टी भी बनाई। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने करा था, ऑफिस के लिए गए। फिर तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ क्लीनिंग के काम के लिए। तो सबसे पहले नाइट का जो बिस्तर होता है उसी को सेट करना होता है, और कल संडे था और लेट भी उठना हुआ था, तो कल ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाई थी। मतलब बेडशीट वगैरह मैंने थोड़ी देर पहले ही झाड़ी थी, इवनिंग के टाइम पे ही झाड़ी थी, क्योंकि फिर बैक टू बैक जैसे ब्रंच वगैरह करा, दोपहर हो गई थी, फिर उसके बाद जब मनीष नहाने वगैरह गए तो तब जा कर के इवनिंग में मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी थी, तो काफ़ी लेट हो गया था कल सारा काम ही। उसके बाद फिर रात का बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ा, और आज ना मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा साथ के साथ ना मैं अपना फ़ैन भी क्लीन कर देती हूँ। और अभी अब सामने ये जो बाहर वाली विंडो है इस पे नेट लगवाई थी ना, तो ये विंडो ना ओपन ही रहती है, और जब मैंने फील करा कि जब से मैंने इस विंडो को ओपन रखा है ना, तब से फ़ैन वगैरह और कर्टन्स वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गंदे होने लगे हैं, और फर्नीचर पे, स्टडी टेबल पे ना बहुत जल्दी जल्दी से डस्ट कलेक्ट हो जाती है। मैं अभी करके जाऊँगी ना, इवनिंग तक मेरे को स्टिल उसमें डस्ट हल्की फुल्की दिख रही होगी। तो बट गर्मी है, थोड़ा सा वेंटिलेशन घर में होना ही चाहिए, तो मैं इसको खुला ही रखती हूँ। तो फिर थोड़ा सा गंदा होने लगा था फ़ैन, और वैसे भी 10 डेज़ हो चुके थे जब सब आने वाले थे, तब मैंने सारे फ़ैन्स वगैरह क्लीन करे थे, तो मैंने कहा साथ के साथ इसको क्लीन कर देती हूँ। क्लीन चीज़ों को साथ के साथ क्लीन रखोगे ना तो वो मेंटेन रहेंगी। क्लीन चीज़ें दिख रही होती हैं बट डस्ट उसमें होती है। क्लीन को क्लीन करने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ी भी गंदी है ना तो उनको साथ के साथ क्लीन कर दो, ज़रूरी नहीं है कि उसको हमको बहुत ज़्यादा गंदा करना है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा ना क्लीन करने में। तो क्लीन चीज़ों को साथ के साथ क्लीन करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा और चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी, तो नई सी भी लगेंगी और देखने में भी अच्छी लगती हैं, सारी साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं जो। तो फिर मैंने फ़ैन को अच्छे से, अब जो मेरा DIY स्प्रे था ना उससे मैंने क्लीन करा था और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट थी नहीं उसमें, हल्की फुल्की जो दिखने वाली होती है ना, जो डेली रूटीन क्लीनिंग वाली होती है वो थी। तो उससे मैंने क्लीन करा था ना, तो बिल्कुल उसकी जो ये फ़ैन के वो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो अच्छे से शाइनी सी हो गई थी, मतलब नया नया सा लगने लग गया था।
फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी और ये वाली बेडशीट बिछा दी थी, ये उस रूम में बिछाती थी तो अलग लुक आता था, आज इस वाले बेडरूम में बिछा रही हूँ तो इसका एक अलग लुक आया। तो बेडशीट को दो बेड अलग अलग हैं और दोनों पे ना अलग अलग लुक आता है, पहले उस पर बिछाती थी तो इस तरह से लग रही थी, आज इस पर बिछा रही हूँ तो मतलब थोड़ा सा ना न्यू न्यू सा लगने लगता है, छोटा मोटा चीज़ों को अदल बदल कर दो तो उनका एक अलग लुक आता है, हर किसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ना बेडशीट एक अलग लुक देती है, जैसे वो ब्राउन वाला सा था, लाइट सा ब्राउन था, ये थोड़ा सा डार्क है, इसके साथ अलग लुक आ रहा है, उसके साथ अलग लुक आ रहा है, या फिर उनके कुशंस वगैरह थोड़े से अलग अलग चेंज से कर दो इस बेडशीट के साथ, पहले मैंने दूसरे कुशंस रखे हुए थे, अभी मेरे पास और कलेक्शन है नहीं कुशंस वगैरह की, अदरवाइज अगर और होते तो इसके साथ अलग लुक एक और आ जाता। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस से लगने लगते हैं, बेडरूम का जो लुक होता है ना वो एकदम टोटली चेंज हो जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज करते रहना चाहिए, इससे हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है और हमारा घर का लुक चेंज होता रहता है और घर अच्छा अच्छा लगता है तो हम भी एकदम हैप्पी हैप्पी से रहते हैं। तो उसके बाद फिर ये न्यू पिलोज़ हैं जो मैं लेकर के आई थी, जो कि एक सेट था पूरा बंधा हुआ सेट था, जो कि मैंने व्लॉग में ही अनबॉक्स करा था, उसके बाद भी ये सेट खोला तो दोनों पिलो जो थे वो अलग अलग निकले, पिलो तो अलग अलग निकले वो कोई बात नहीं थी क्योंकि डिज़ाइन का ही फ़र्क था, वैसे वो थे दोनों वाइट ही बट हल्का फुल्का डिज़ाइन का फ़र्क था, बट एक पिलो के अंदर ना कुछ ब्लैक ब्लैक स्टेन से थे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि न्यू लेने के बाद भी अगर किसी चीज़ में दाग आए तो दाग किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है अब उसको रिटर्न करने नहीं पॉसिबल था जाना तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। और उसके बाद फिर जो कुशन्स पहले चढ़े हुए थे ना, अभी और मैंने बोला ना है नहीं, अभी मेरे पास कलेक्शन और इसके साथ और कोई मैच करने ही रहे थे, एक गोल्डन और है मेरे पास जो कि पुराने वाले घर में सोफे में बिछाती थी तो वो बिल्कुल भी मैच करते नहीं, तो मैंने बस जो पहले वाले थे ना वो चेंज करके उसी का दूसरा पेयर बिछा दिया था, और इससे भी थोड़ा तो चेंज हुआ था बेडरूम का लुक। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।